वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बैंक निफ्टी ऊपर से एक बड़ी सेलिंग दिखाने के बाद ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का करेक्शन करने के बाद क्या एक बाउंस देने के लिए रेडी हो चुका है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। क्या मार्केट यहां से बाउंस दिखा सकती है, जो एक्सपायरी तक का पेन था मार्केट में क्या फिजल आउट हो चुका है। आज निफ्टी की एक्सपायरी ने बड़े बड़े ट्रेडर का, बड़े बड़े हीरो जीरो टाइप ट्रेडर को फिनिश किया, क्योंकि हर कोई ये मान के चलता है कि मंथली एक्सपायरी में मोमेंटम होता ही होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक टाइम पे मोमेंटम हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद पूरे टाइम निफ्टी ने प्रीमियम श्रिंक किया। निफ्टी की कॉल पुट का प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो गया 24,400 का। मार्केट आउटलुक पर डिस्कशन करूंगा, क्या रीजन है कि हम कंटिन्यू प्रॉफिट करते जा रहे हैं। आज भी एक शानदार प्रॉफिट हमने बुक किया। अगर मैं स्क्रीनशॉट शेयर करने में आऊंगा तो इतने स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फैक्ट में इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहां पर आपको सब कुछ जेन्युइन मिलता है, यहां पर कुछ भी झूठ नहीं मिलता है। सबसे पहले जिन YouTube फैमिली को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं वीडियो ज्यादा लंबी बनाता हूं या वीडियो में उधर उधर की बातें ज्यादा करता हूं, तो प्लीज आप मूव कर जाइए ना, जाकर देखिए चार्ट की वीडियो को, जो चार्ट ओपन करेंगे 3:30 पर मार्केट क्लोज होने के बाद में 4:00 तक आपके पास वीडियो आ जाती होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो। तो प्लीज जाइए ना उनके पास, जो 4 बजे तक आपको चार्ट की वीडियो बनाकर 7 से 8 मिनट की 4 बजे तक आपको पहुंचा देते हैं। आप दिमाग लगाइए चार्ट में बैठकर क्या होने वाला है। जैसे मार्केट डस रही है ना चार्ट वाले ट्रेडर को, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है गाइस। ये चार्ट जो चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं ना, इनको वैसे फिनिश करने वाली है मार्केट आने वाले टाइम में, क्योंकि 90% ट्रेडर, 90% जो इंट्राडे ट्रेड करता है वो चार्ट को देखता है। क्या चार्ट को ये नहीं पता कि 90% ट्रेडर उसको देख रहा है? क्या मार्केट को ये नहीं पता कि चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस निकल रहा है? तो गाइस प्लीज मूव कर जाइए मेरे चैनल पे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको मेरा 10 से 12 या 15 मिनट का वीडियो लंबा लगता हो। कम चलेंगे गाइस, ऑनेस्टली कम चलेंगे व्यूअर्स। टेलीग्राम कम नंबर से चलेगा, ऑनेस्टी चाहिए यहाँ पे, झूठ और फ्रॉड नहीं चाहिए। जब हम सच के साथ चलेंगे तो आने वाले टाइम में दुनिया हमसे जुड़ने वाली है, क्योंकि आज का दिन भी हमारा शानदार प्रॉफिटेबल डे रहा। पूरे दिन ट्रेडर ट्रेड ढूंढते रहे, लेकिन ट्रेड कब मिलना था? ट्रेड मिलना था कल 3:20 पे आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी थी। यार ये कौन समझाएगा, ये चार्ट नहीं बताएगा आपको कि आज पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, कल आपको गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होने को मिलेगी। उसका रीजन है, एक तो अमेरिका का मोमेंटम दिखा रहा था, दूसरा था एक्सिस बैंक का रिजल्ट। गाइज ये सब एक्सपीरियंस आएगा, ये चार्ट से नहीं आने वाला है। जो चार्ट को फॉलो करते हैं उनको कभी नहीं बता सकता मार्केट, या चार्ट नहीं बताएगा कि कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। हम तो सुबह ही प्रॉफिट बुक करके निकल गए, 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ और 9:25 तक हमारे पूरे टेलीग्राम फैमिली की पोजीशन स्क्वायर हो चुकी थी प्रॉफिट में। और उसके बाद हमने वेट किया प्रीमियम डीके होने का, और ये प्रीमियम डीके होना कौन सिखाएगा? ये चार्ट आपको नहीं सिखाएगा गाइस, ये प्रीमियम डीके होना आएगा आपको एक्सपीरियंस से कि इस सिचुएशन में प्रीमियम डीके होता है, कि ये प्रीमियम इंक्रीज क्यों हुआ और कितना इसमें प्रीमियम ज्यादा है, यहां से प्रीमियम कम होगा क्यों होगा, कितना होगा और किस लेवल पे जाके ये प्रीमियम बाइंग का बनता है। ये प्रीमियम कैलकुलेशन होती है, और ये प्रीमियम कैलकुलेशन अच्छे अच्छे चार्ट देख के वाले ट्रेडर को, जिनके 20-20 लाख सब्सक्राइबर है, जिनके 10-10 लाख 15-15 लाख सब्सक्राइबर है, उनको भी नहीं आता होगा गाइस। किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर को, बड़े से बड़े एंकर को ये नहीं आता होगा कि वो मुझे कैलकुलेट करके बता दे कि प्रीमियम बाइंग का है या सेलिंग का है। यही चीज मुझे डिफरेंट बनाती है, यही स्ट्रेटजी मुझे डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। मैं तो अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूं एक प्रॉफिटेबल जर्नी पर, जहां पे उनको एहसास होगा कि पोजिशन बनाने के बाद रिलैक्स कैसे रहा जाता है, जहां पे उनको एहसास होगा कि ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप करके आप पैसा कैसे बना सकते हैं। उनके माइंडसेट को मैं चेंज करने वाला हूं, धीरे धीरे रहा हूं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है इस सब से, मूव कर जाइए मेरे YouTube चैनल से, मूव कर जाइए मेरे टेलीग्राम फैमिली से। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, कम चलेंगे, ऑनेस्टली जो साथ खड़े हो बुरे टाइम में वो लोग चलेंगे। अब बात करता हूं मार्केट की।
मार्केट में बैंक निफ्टी में बड़ा सेल ऑफ आ चुका है। मैं क्लियरली बोल चुका हूं, पहली लाइन मेरी ये थी, मैं बैंक निफ्टी पर यहां पर अब बेयरिश नहीं हूं। पहले ही सुन लीजिए, मेरा व्यू बैंक निफ्टी को लेकर यहां पर बेयरिश नहीं है जब तक कि बैंक निफ्टी 50,560 ये नहीं तोड़ता है। मैं तब तक बैंक निफ्टी को लेके बाय ऑन डिप रहूंगा और बुलिश रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से कम 1,000 पॉइंट का रन अप दिखा सकता है। शर्त इतनी है, सिर्फ स्टॉप लॉस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि 50,560 नहीं टूटना चाहिए। इस लेवल को वॉच करना, अगर ये लेवल टूटेगा तो नीचे का लेवल खुलने वाला है जो 50,000 के भी नीचे लेकर जाएगा, लेकिन वहां पर आएगा हम तब भी तैयार खड़े हैं बाइंग के लिए। दुनिया निगेटिव है बैंक निफ्टी पर, हर यूट्यूबर निगेटिव है, हर कोई डरा रहा है, अमेरिकन मार्केट डरा रही है, बैंक्स के रिजल्ट हर किसी को डरा रहे हैं। एक्सिस बैंक 6% माइनस रिजल्ट के बाद, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब लेकिन 2% का रनअप, कोई लॉजिक नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट खराब, गाइस इतनी निगेटिविटी है बैंक को लेकर, कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा व्यू यहां से थोड़ा सा चेंज है, हमें ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से एक रन अप दिखा सकता है पॉजिटिव साइड। अगर 50,560 नहीं टूटता है, आपको बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में दूसरा रिजल्ट आ रहा है, बड़ा रिजल्ट आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि सैटरडे को या आई थिंक कल है। गाइज मेरा व्यू आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को लेकर हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक इस बार सब बैंक्स को, सब एनालिस्ट को, सब टीवी एंकर को, सब यूट्यूबर्स को सरप्राइज कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है। यहां से आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म कर सकता है पॉजिटिव साइड, जो अपने दम पर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, जिसका सेकेंड हाइएस्ट वेटेज है बैंक निफ्टी में। और मैं यहां से सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि बैंक निफ्टी को एक बड़े रनअप की तरफ आईसीआईसीआई बैंक ले जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक को लेकर सब निगेटिव है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल खराब आया, बहुत खराब आया। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब था, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट बहुत खराब आया। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी खराब आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कल से बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा बुलिश हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छा रनअप या एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छा तेजी यहां से आपको दिखा सकता है। बस शर्त इतनी है कि 50,560 नहीं टूटना चाहिए। निफ्टी के कंपेरिजन में मैं बैंक निफ्टी पर ज्यादा बुलिश हूं। और कल आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं अपनी टेलीग्राम फैमिली में। आपको 100% कैपिटल यूज करना है गाइस, और यूट्यूब फैमिली पर भी मैं कोशिश करूंगा, और फ्री टेलीग्राम फैमिली को भी मैं ये ट्रेड देने जा रहा हूं कल। एनी हाउ ये फ्री टेलीग्राम फैमिली, ध्यान से सुने, जो पोजीशन मैं आपको गाइड करूं डिक्टो वो पोजीशन बनाना, और प्लीज आऊं मत करना, पोजीशन बनाना, पोजीशन बनाने के बाद पोजीशन में बने रहना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप पोजीशन बना लेते हैं, बार बार मैसेज करके मुझे पूछते हैं जब एग्जिट मैं बोलूंगा, आपको एग्जिट तब करना है जब मैं बाय बोलूंगा, बाय तब करना है। तो ये पूरा अपडेट है, मैं नहीं देख रहा ग्लोबल क्या चल रहा है, मैं अमेरिका की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा एफआईएस के डेटा की, एफआईएस का डेटा आज भी निगेटिव आया है, मैं नहीं बात कर रहा बाकी सबसी, मेरा व्यू डिफरेंट है यहां पर। मैं बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस यहां से उम्मीद लगा के चल रहा हूं। मैं एज ए न्यूट्रल मार्केट में एंटर कर रहा हूं, लेकिन मैं बुलिश हूं बैंक निफ्टी पर, और मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा रनअप कल से देखने को मिलेगा। तो मेरा व्यू था मार्केट को लेकर, हमने ये वीक हमारी ट्रेडिंग का अभी तक का मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वीक रहा है, जहां पे हमने लास्ट 15 डेज में अपने कैपिटल को सेव किया और इस वीक में हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ऐसे ही चलने वाली है ये जर्नी, ऐसे ही हम प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं, क्योंकि हमें बाकी सबसे अलग हटके चलना है, इस चैनल को भी ऊपर लेकर जाना है, और हमें पैसा भी बड़ा कमाना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, और आपका प्यार बेशुमार मिलता है। मिलूंगा अगर कुछ भी नया अपडेट होगा, आपको टाइम से अपडेट जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, इंडियन आर्मी, वी रेस्पेक्ट यू सर। प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, ओवर ट्रेडिंग से जूझ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, पास में लॉसेज हो चुके हैं, कुछ भी, प्लीज डिस्कस कीजिए, बेस्ट आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।